जी आरिफ साहब जो कह रहे हैं मेरे ख्याल से इनकी बात में बहुत वैलिडिटी है और सोचना चाहिए। अगर हम लोग वाकई मतलब याद करें कि हिंदुस्तान में कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कैसे हुआ, 1980 का दशक को माना जाता है टर्निंग पॉइंट, जब धर्म जो है राजनीति में पहले से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगा। जो ब्रॉडली जो सेकुलर लोग थे वो दो खेमों में बांटे गए थे, मतलब डिवाइडेड थे। एक जो मानते थे कि माइनॉरिटी कम्युनलिज्म इज लेस डेंजरस देन मेजॉरिटी कम्युनलिज्म, दूसरा ऐसा था जिसमें आरिफ साहब जैसे लोग भी थे, हम जैसे भी लोग थे, जो मानते थे कि चाहे माइनॉरिटी की कम्युनलिज्म हो चाहे मेजॉरिटी की कम्युनलिज्म हो, दोनों खतरनाक हैं। ये मुरादाबाद के दंगे, ये मेरठ के दंगे, उस समय की बात है, ये डिस्कोर्स चल पड़ा। उसके बाद आता है आपका अयोध्या का आंदोलन। ठीक है, सेकुलर लोगों ने कंडेम किया कि जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन को चलाया, एक समय बात हो गई कि अब हमको प्रूव भी नहीं करना कि वहाँ राम जी पैदा हुए थे नहीं हुए थे, वो हमारे मैटर ऑफ फेथ है। लेकिन उसी इन्हीं लोगों को उसी के साथ साथ सैयद शहाबुद्दीन साहब ने, मतलब दो पिछले सप्ताह उनकी डेथ हो गई, मतलब बहुत जानकार आदमी थे, हम लोग खुद बहुत कुछ समझे हैं उनके चलते, उनके साथ समय बिता के, लेकिन उन्होंने रिपब्लिक डे के बॉयकॉट का कॉल कर दिया। अब एक तरफ तो हिंदुओं को कम्युनल तरीके से मोबिलाइज किया गया तो उसको कंडेम किया गया, तो फिर अगर कुछ किस लोगों ने मुसलमानों को भी उसी तरह से कम्युनलाइज किया तो उसको इक्वली कम्युनलाइज हो गया। तो एक तरह से हम लोगों ने एक मॉरल बेसिस दे दिया कि हम जो लोग हिंदुओं को पॉलिटिकली मोबिलाइज करना चाहते हैं, क्रिएशन ऑफ द पॉलिटिकल हिंदू, तो वो हमने उनको राकेश जी, क्योंकि शेफाली जी को जाना है अभी और शेफाली जी से हम गोवा के बारे में सवाल पूछना चाहते थे। गोवा के जो नतीजे हैं रोहित, अभी गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो चुनाव हार गए हैं जी, नौ सीटों पर कांग्रेस आ गई है, बीजेपी 7 पर है और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला। उनकी खुशी ज्यादा इसी बात से शायद। ऑनेस्ट एडमिशन, वोट परसेंटेज कहीं ज्यादा इस दिखाता है, क्योंकि आई थिंक सिर्फ अभी मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रहा था, गोवा में आपको 7% भी वोट नहीं मिल रहे हैं जी। Actually, तो पूरा ओवर हाइप ये जो था पूरा campaign. मुझे लगता है वो सोशल मीडिया पर ही चुनाव लड़ रहे थे। शेफाली अभी बात कर रही थी राहुल गांधी के ऊपर, दिग्विजय सिंह ने कहा है राहुल गांधी cannot step down, कांग्रेस इज हेल्ड टुगेदर बाय द नेहरू गांधी फैमिली। तो आपका जो सवाल है उसका जवाब अगले साल वही होगा, मेड इन शिमोगा जूते और मेड इन शिमला टॉयलेट पेपर, व्हाटएवर, that's besides the point जी। But गोवा में actually BJP is not doing as well as exit polls said it would. इसका कारण कई एक तीन चार हैं। एक तो छोटा राज्य है इसलिए छोटा सा मार्जिन भी मायने रखता है, 200-300 वोट भी अगर कैंडिडेट लेके गए दो तीन तो वो फर्क पड़ता है जीत के मार्जिन में। दूसरा, गोवा में BJP इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा पीछे है क्योंकि कहीं पे मनोहर पर्रिकर का छोड़ के जाना गोवा के लोगों को हर्ट हुआ, क्योंकि उसके पहले इलेक्शन में जब उन्होंने वोट दिया था तो वेरी क्लियरली वो मैंडेट पर्रिकर जी को दिया था कि आप 5 साल रहेंगे और रूल करेंगे और वो सेकेंड लाइन बनाने में नाकामयाब रहे जी। और तीसरी बात यह है कि उनके जो एलाय हैं MGP वो टूट के अलग हो गए और RSS का एक फैक्शन था वो भी टूट के अलग हो गया, तो उन दोनों ने भी BJP के वोट में फूट डाली हुई है। इसकी वजह से कांग्रेस, जिसका ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है अभी गोवा में या उनके लीडर्स ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, वो बहुत सरप्राइजिंगली इट इज़ डूइंग वेरी वेल। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि 1.5 साल आपने वहाँ पे माहौल बनाया हुआ है, हर महीने अरविंद केजरीवाल जाते थे वहाँ पे, फुल पेज ऐड देते थे, उनके लोग बहुत आवाज़ करते थे कि हम जीतने वाले हैं, हम जीतने वाले हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि लोग उनकी रैली में आए, लोग झाड़ू वाड़ू लेके आए, लेकिन लोगों ने उनको ही साफ कर दिया। इसमें एक बात जोड़ूंगा जो स्मिता जी ने कहा था कि किसी भी राज्य को आप टेकन इनटू ग्रांटेड नहीं ले सकते। गोवा के साथ बारे में मुझे ऐसा लगा कि BJP इसको टेकन इनटू ग्रांटेड ले रही थी कि हम जीतेंगे, ये मानकर चल रही थी। उत्तर प्रदेश में ऐसा मानकर नहीं चल रही थी, उत्तर प्रदेश में कॉन्फिडेंस था लेकिन सारी ताकत वहीं लगाई उत्तर प्रदेश में। और गोवा में जो पिछले दिनों घटनाएं घटी हैं उसका शेफाली जी ठीक कह रहे हैं कि 200-300 वोट के मार्जिन को उसने इफेक्ट किया है और पार्टी हारी है। सर जोगीरा सुनेंगे? हमारे दर्शक बहुत डिमांड कर रहे हैं कि जोगीरा तो सुनवाइए, आपके पास पूरी टीम मौजूद है यहाँ पे, तो सुनाएंगे क्या आज? चुनाव के बारे में
यूपी में कप्तान कमल देख कर विरोधी है पस्त भैया विरोधी है पस्त भाई बाबा खिलाड़ी बाबा यूपी में खिलता कमल देख कर विरोधी है पस्त जनाधार मिली बीजेपी को मोदी जी है मस्त बोलो हाई रे हाई रे बा भाई बाबा खिलाड़ी बाबा भाई बाबा खिलाड़ी बाबा नोट बंदी के नहीं पड़ल असर भाई पड़ल असर वाह भाई बाबा खिलाड़ी बाबा नोट बंदी के नहीं पड़ल असर आ बीजेपी के वोट मिलल पूरा सारा सर बोलो हाय रे हाय रे गंगा मैया की कृपा से खिला कमल का फूल भैया खिला कमल का फूल गंगा मैया की कृपा से खिला कमल का फूल बबुआ बुआ राहुल देखो चाट रहे हैं धूल बोला हाय रे हाय रे जीत गई बीजेपी होई खुशहाली भाई होई खुशहाली भाई बाबा खिलाड़ी बाबा जीत गई बीजेपी होई खुशहाली दौड़ी विकास के गाड़ी हाली हाली बोलो हाय रे हाय रे केसरिया रंग में रंगा है अपना उत्तर प्रदेश भैया अपना उत्तर प्रदेश केसरिया रंग में रंगा है अपना उत्तर प्रदेश साइकिल हाथी धूल जाते हैं कोई बचाना से बोलो हाय रे हाय रे होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा किसके हाथ कमल की पुकारी केकर हाथ कमल की पुकारी किसके हाथ करा हाथ किसके हाथे अबीरा अवध में होली खेले